ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ फिर कांग्रेस शामिल होए यह कहना भाजपा का गैर राजनीतिक अंदोलन का आखिरी निशाना राजनीति है दुध का दुध ते पानी का पानी हो गया है कांग्रेस नूं शर्म आनी चाहिए है। तो दस दिए कि गुरनाम सिंह चड़ूनी के वलों यह बयान दिता गया सी कि असी हरियाणा च कांग्रेस लई माहौल बनाया पर कांग्रेस उसका फायदा नहीं लै सकी चड़ूनी ने भुपिंदर सिंह हुड्डा ते निशाना साधदिआं कहा सी कि भुपिंदर सिंह हुड्डा ने किसान आगुआं नूं टिकटां नहीं दित्तियां ते साडे नाल चंगा विहार नहीं कीता तां दूजे पासे भाजपा हुण इस ते हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी ते के जो प्रोटेस्ट होए ने चाहे वह किसान अंदोलन चाहे वह पहलवानां दा अंदोलन उस दे पिछे कांग्रेस ही सी तां दस दईए कि भाजपा ने चड़ूनी दे बयान ते कांग्रेस नूं घेरिया है कि कांग्रेस की सच्चाई हुण सामने आ गई है किसान अंदोलन कांग्रेस वल्लों ही तैयार किया गया सी ते पहलवानां दा अंदोलन भी कांग्रेस की ही प्लानिंग सी कि पहला गैर राजनीतिक अंदोलन करो फिर कांग्रेस शामिल हो जाओ भाजपा ने कहा कि गैर राजनीतिक अंदोलन का आखिरी निशाना राजनीति ही है जो हुण सामने आ गया दुध का दुध ते पानी का पानी हो गया कांग्रेस नूं शर्म आनी चाहिए है। दरअसल गुरनाम सिंह चड़ूनी के बयान तो बाद यह सारी सियासत भगी है जिथे वह विनेश फोगाट की गल हो कांग्रेस पार्टी के शामिल होए तो गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान कि असी हरियाणा च कांग्रेस लिए माहौल बनाया कांग्रेस उसका फायदा नहीं लै सकी गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भुपिंदर सिंह हुड्डा से भी निशाना साधदे कहा सी कि हुड्डा ने किसान आगुआं नूं टिकट नहीं दिती ते साडे नाल चंगा विहार नहीं किया जिस तों बाद भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का ही किया कराया चाहे वह किसान अंदोलन होवे ते चाहे पहलवाना का अंदोलन होवे इस दे पिछे कांग्रेस ही सी। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी और वो कई वैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जिसको हम यहां पर नहीं रिपीट करना चाहेंगे मगर एक बात बहुत साफ हो गई अब कांग्रेस की कलाई खुल गई बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था ये आज के चंडूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया वो राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो इस वेले किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने चड़ूनी साहब स्वागत है तुहाडा न्यूज 18 पंजाब ते नाल ही सवाल भी है भाजपा कह रही है कि कांग्रेस की ही प्लानिंग सी चाहे वह किसानों का अंदोलन सी ते चाहे पहलवानों का तुहाडा पहला रिएक्शन जानना चाहते हैं इस ते बयान किसी तरह भावे दो अर्थ कट दे भावे चार कट दे जी मैं ये कहा भी जेड़ा किसान अंदोलन की वजह के नाल कांग्रेस का माहौल बने जिहड़ी सरकार होंदी है उहदे हमेशा अंदोलन एंटी जांदा है जिहड़ा विपक्ष होंदा उहदे फायदे जांदा है जी जिहड़ा 2014 तो पहला अंदोलन होया सी अन्ना हजारे का कांग्रेस के खिलाफ गया जिहड़ा है कांग्रेस के खिलाफ गया बीजेपी के पक्ष नहीं सी गया जी यही अंदोलन जिहड़ा किसान अंदोलन है यही पंजाब च होया कांग्रेस के खिलाफ गया आम आदमी के पक्ष च गया पर तुसी कहा कि कांग्रेस ने सानू टिकटां नहीं दित्तियां किसानों नूं टिकटां नहीं दित्तियां भुपिंदर सिंह हुड्डा ते निशाना साधे इस गल नूं लेके हां ओह कहा ओह वखरी गल है जी ओह ए इस करके नहीं है कि भी अंदोलन दे विच साडी सेटिंग सी फिर उस सेटिंग तो मुकर गया उहदा ही मतलब नहीं है जी उहदा मतलब यह है भी बीजेपी ने 750 बंदे मरवाण तो बाद भी जिहड़ी है साडी संपूर्ण गल नहीं मन्नी आके फिर सड़क ते बहना पिया जी उहदा इलाज है कि किसानां नूं राजनीति करनी चाहीदी है ते ओह राजनीति दे विच कई किसान लीडर जिहड़ा है ओह राजनीति करना चाहुंदे सी जी ते ओह इह सी भी कल्ले आपां इलैक्शन लड़ांगे ते कोई वजन नहीं बनदा क्योंकि पैसा नहीं है जे कांग्रेस तों टिकट मिलदा है क्योंकि बीजेपी दे नाल जा नहीं सकदे जे कांग्रेस तों टिकट मिलदा है ते फिर साडा कांग्रेस नूं अंदोलन दा फायदा भी होया ते फिर असी अपनी गल विच जाके रखांगे भी जी इस करके टिकट मंगते सी कांग्रेस तो पर गुरनाम सिंह चड़ूनी जी तुसी जवाब दे दिओ समां तुहानूं असी देवांगे पूरा पूरा जिस ढंग दे नाल भाजपा ने कहा
कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जिहड़े बयान देंदे ने कि उसकी सच्चाई सामने आ गया, क्योंकि जिस ढंग दे नाल तुहाडा ये बयान लिया गया उस दे विच ये कहा गया कि किसान अंदोलन किया पहला तो फायदा कांग्रेस नूं लैणा सीगा, तो पलवाना ने अंदोलन किया फायदा कांग्रेस ने लैणा सीगा, तो जिहड़ी गल तुसीं कही कि टिकटां नहीं दित्तियां ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਜੀ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਚੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਓ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਈਆਂ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਥਾਣੇਸਰ ਤੋਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਾਅ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਹਰ ਵਰਗ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਚੁਣਾਵ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਸੀ ਸੀਪੀਐਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਰਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨਗੇ ਹਾਈਕਮਾਨ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਣੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ, ਵਾਡਰਾ ਜੀ ਨੇ
मेरे बारे कहा भी जे इन्हों जो है जे इन्हों एक टिकट देंगे हो कई सीटा से सानू फायदा होंगे पचास सीटा से फायदा होंगे प्रियंका ने भी इन्हों कहा भी जे एक सीट नाल मानते ने एक सीट दे दो इको ही असी मंग रहे सी थले वाला कोई विरोधी नहीं सी उत्ते वाला कोई विरोधी नहीं सी खाली हुड्डा साहब विरोधी सी जिन्ने हुड्डा दी पक्ष दे बंदे नहीं सी भावे कुमारी शैलजा सी भावे किरण चौधरी सी भावे सुरजेवाला सी भावे रमेश दलाल सी भावे हरशिकारा सी भावे आम आदमी पार्टी सी भावे असी सी सारिया किनारे किया मेरे अगे बोलने वाला कले का राज चलेगा जे ये भी टिकट बाकी दे देंगे तो सत्तर टिकट कांग्रेस तक रह जा कांग्रेस की सत्तर सीट आनी एक तरफा इलेक्शन होना तो लगता भी स्थिति होर होंगी अज रिजल्ट होर होंगे हरियाणा बिल्कुल होर बिल्कुल होर होंगे तो कोई शक नहीं दूजी गल दूजी गल फिर उदू अगे ये भी है कि कांग्रेस वाले खुद मानते हैं कि जिथे जिन्हों टिकट जो हकदार सी टिकट वितरण भी गलत किया है और टिकट वितरण भी किसी ना किसी भ्रष्टाचार के तहत होया है जितना इनके टिकट ना दो हर ना तुसी टिकट दे रहे हो वह मुकाबले च खड़ गया अशोक अरोड़ा जी इस ते कुछ कहना चाहते हो कि जो हरियाणा दे विच होया टिकटां दा वितरण की गल हो जिस ढंग के भ्रिष्टाचार के इल्जाम गुरनाम सिंह चडूनी ला रहे हैं या जी गल कह रहे हो कि मंथन करांगे ये जिहड़ियां सारियां गल्लां गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि कांग्रेस की गलती तो हुई है कि ना कि सारा सारी चीजें ना हाईकमान मंथन करेगा क्या कहां कमी रही कैसे रही आज इस पे बात करना ठीक है चलो तुसी कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते बच रहे हो अशोक अरोड़ा जी ज्यादा कुछ कहने बचन की गल नहीं है गल पार्टी दे पार्टी मंथन करेगी अकेला अशोक अरोड़ा कैसे डिसीजन ले सकता है या गुरनाम सिंह चडूनी कैसे डिसीजन ले सकता है साडी पार्टी पर चलो गुरनाम सिंह चडूनी जाने हैं तुसी कहना चाहते हो अशोक अरोड़ा जी तो इस ते ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है जी असि ये कहना चाह रहे हैं कि भी हरियाणे का जो जो बीजेपी आई है या कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क होया है मैं इलेक्शन तो पहले कहता ठीक है हुड्डा जी नीति से चल रहा है इस बहुत सारे लोग इस तरह समझ रहे हो कांग्रेस नाल प्यार बहुत ज्यादा नजर आ रहा है हुण कांग्रेस वाले कहंदे ने बीजेपी तो पैसे ले गया तां साडा विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले ये कहंदे ने जी ते बीजेपी वाले ये कहंदे ने कांग्रेस दे नाल मिले हुए है इहना राजनीतिक पार्टियां कोल जिहड़ा है ना वो ये बड़ा सौखा गल हुंदी है कहणी कहंदे हुण ये बीजेपी वाले कह रहे ने भई ये ते जिहड़ा है कांग्रेस नाल मिल के अंदोलन किया सी चलो बहुत धन्यवाद गुरनाम सिंह चडूनी जी साडे नाल जुड़न दे लई बहुत धन्यवाद तुहाडा न्यूज़ 18 नाल गलबात करन दे लई अशोक अरोड़ा जी का भी धन्यवाद तां गुरनाम सिंह चडूनी वाले बयान ते भाजपा ने कांग्रेस नूं घेरिया पर गुरनाम सिंह चडूनी कहिंदे अजिही कोई गल नहीं है कि किसान अंदोलन उन्हां दा गैर राजनीतिक सी पर हुण ओह जरूर चोणां लड़ना चाहुंदे सी ते कांग्रेस वल्लों ही इह चोणां लड़ियां जा सकदियां सी हालांकि बीजेपी हमलावर नजर आ रही है।